अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास सिक्स की जनरल साइंस में आज हम यूनिट फोर इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन में वर्कशीट में काम करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सब अपनी वर्कशीट में पेज नंबर 23 खोलें। पेज नंबर 23 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके साथ हमें फोर ऑप्शन गिवन होंगे। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है, और अगर ब्लैंक गिवन है तो उसको ब्लैंक में भी लिखना है। फर्स्ट वन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द एबायोटिक कंपोनेंट इन द फॉलोइंग। ए लाइन, बी एप्पल, सी वाटर वेपर, डी बीटल। करेक्ट ऑप्शन इज सी, वाटर वेपर। सी को टिक करें। तर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एनवायरनमेंट। ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी डेजर्ट, सी एक्वेटिक, डी ग्रासलैंड। करेक्ट ऑप्शन इज बी डेजर्ट। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ए लिविंग थिंग, बी नॉन लिविंग थिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस ए फूड, बी वाटर, सी एनर्जी, डी सॉइल। करेक्ट ऑप्शन इज ए, फूड। ए को टिक करें। बैक्टीरिया आर डैश कंज्यूमर, बी प्रोड्यूसर, सी डिकम्पोजर, डी बोथ ए एंड सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिकम्पोजर। सी को टिक करें और इसको ब्लैंक में भी लिखें। इफ इन अ रिलेशनशिप बोथ पार्टनर आर बेनिफिटेड एंड नन इज हार्म, इट इज कॉल्ड डैश। ए प्रीडेशन, बी पैरासिटिज्म, सी म्यूचुअलिज्म, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज सी, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म को टिक करें, उसको ब्लैंक में भी लिखें। नेक्स्ट हमारे पास है, ओमनीवोर आर डैश ए बायोटिक, बी सॉरी ए एबायोटिक, बी बायोटिक, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज बी बायोटिक। बी को टिक करें और इसको ब्लैंक में भी लिखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक। ए प्रोड्यूसर, बी कार्निवोर्स, सी हर्बीवोर, डी सनलाइट। करेक्ट ऑप्शन इज डी, सनलाइट को टिक करें। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट इंक्लूड ए फॉरेस्ट, बी पॉन्ड, सी रिवर, डी मैरीन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, फॉरेस्ट। ए को टिक करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें स्टेटमेंट गिवन होंगी और साथ में ब्लैंक गिवन होगी, हमने ब्लैंक को सूटेबल आंसर से फिल करना है। एवरीथिंग अराउंड अस इज अवर डैश। ब्लैंक में एनवायरनमेंट लिखें, ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी, एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट हैज डैश एंड डैश कंपोनेंट, बायोटिक बी आई ओ टी आई सी बायोटिक, एंड एबायोटिक ए बी आई ओ टी आई सी एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड डैश, ब्लैंक में लिखें लिविंग ऑर्गेनिज्म एल आई वी आई एन जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म ओ आर जी ए एन आई एस एम एस। एनिमल आर डैश बिकॉज दे यूज फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, ब्लैंक में कंज्यूमर लिखें सी ओ एन एस यू एम ई आर। एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स डैश, नॉन लिविंग थिंग्स एन ओ एन एल आई वी आई एन जी टी एच आई एन जी एस। इन नेचर वाटर इज डैश एंड यूज अगेन एंड अगेन, ब्लैंक में रिसाइकल लिखें आर ई सी वाई सी एल ई, रिसाइकल। इन एन एनवायरनमेंट डैश आर रीजनरेटेड एज प्रोड्यूसर, ब्लैंक में प्लांट्स लिखें पी एल ए एन टी एस। लाइन इज रिगार्डेड एज द डैश, डैश में प्रीडेटर लिखें पी आर ई डी ए टी ई आर। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑन ह्यूमन इज टैपवर्म, टैपवर्म, ब्लैंक में पैरासाइट लिखे पी ए आर ए एस आई टी ई।
क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है मार्क टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगी, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके आगे टी लिखें और अगर फॉल्स है तो इसके आगे एफ लिखें। द इन्वायरमेंट हैज़ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ट्रू है तो टिक लिखें, बायोटिक कंपोनेंट डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके आगे एफ लिखें। एंड इन्वायरमेंट हैज़ टू टाइप्स टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टू ट्रू है, इसके आगे भी टी लिखें। इन द रेन फॉरेस्ट द क्लाइमेट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड, इसके आगे आप टिक लिखें, टी लिखें।